जो वहां 100-2024 के तत्वाधान में कुमार होटल के अंदर आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर संचालक पल्लव जी और जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, राहुल जी, संजीत गोलू जी सहित योग से प्यार करने वाले सभी योग के आचार्य उपस्थित नौजवान साथियों, अभी मुकेश पांडे जी ने आप लोगों के बीच में अपनी बातें रखी। योग स्वस्थ रहने की एक मौलिक विधा है। जब मनुष्य इस धरती पर आया, प्रकृति ने शायद महसूस किया होगा कि व्यक्ति के अंदर तमाम बीमारियां होंगी और व्यक्ति को अच्छे काम करने के लिए, रचनात्मक काम करने के लिए उसकी सोच अच्छी हो, इसके लिए शायद महर्षि पतंजलि ने जो योग को इस धरती को प्रदान किया, मानव सभ्यता को प्रदान किया, इसके महत्व को हजारों वर्षों के बाद दुनिया ने तब पहचाना जब वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को लेकर चलने वाला भारत में एक नेता का उद्भव हुआ, जिस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी, और उनके प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ ने योगा दिवस के रूप में इसे आम आदमी तक पहुंचाने का काम किया। तो जो क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए आप लोग, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सब ने एक पुस्तक का विमोचन किया जिसमें योग के बारे में थोड़ा बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत योग प्रणायाम मैं भी करता हूँ, लेकिन हम लोग चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में है इसलिए जो इसकी क्रमबद्धता है, इसका जो लय है, क्योंकि योग और प्राणायाम को करने के लिए उसमें लीन हो जाना पड़ेगा, अपने आप को उसमें पूरी तरह से जब हम समर्पित कर देंगे तो ही वो योग हमें उस लक्ष्य को प्राप्ति करने में सहायक होता है। और आज के इस भाग दौड़ की दुनिया में जब हम अभाव में जीते थे, हम लोग उस एरा में जन्म लिए जब इतना जो आज विकास, तथा कथित विकास जो देख रहे हैं, वो विकास तो नहीं था, लेकिन उस समय मैं बात कर रहा हूँ 75-80 के आसपास की बात कर रहा हूँ, जब अभाव में थे तो हम इतने बीमार नहीं हुआ करते थे जितने प्रभाव में आकर के आज हम इतने बीमार हुआ करते हैं। और उसके मूल में यही था कि हम लोग गांव में रहते थे, समय से जगते थे और समय से सोते थे, और आज भी वही व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है जो समय से जगे और समय से सोए और खान पान पर ध्यान दे, आधा से अधिक बीमारी से वो मुक्त रहेगा। और अगर कहीं कुछ होता है तो उसको ठीक करने के लिए यह एकदम साधारण और परम आनंददायक यह पद्धति है योग। करें योग और रहे निरोग, ये मंत्र हमारे ऋषियों का है, तो ये मंच आपका है, इसका मैं अतिक्रमण करना नहीं चाहता। हम लोग नेता हैं, जब मंच पर खड़े हो जाते हैं, माइक हाथ में मिल जाती है, तो समय सीमा मर्यादा ये सारे चीज हम लोग तोड़ देते हैं। आप सभी जो गुरुओं का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। योग महोत्सव 2024 के तत्वाधान में कुमार होटल के अंदर आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर संचालक पल्लव जी और जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, राहुल जी, संजीत गोलू जी सहित योग से प्यार करने वाले सभी योग के आचार्य उपस्थित नौजवान साथियों, अभी मुकेश पांडे जी ने आप लोगों के बीच में अपनी बातें रखी। योग स्वस्थ रहने की एक मौलिक विधा है।
जब मनुष्य इस धरती पर आया, प्रकृति ने शायद महसूस किया होगा कि व्यक्ति के अंदर तमाम बीमारियां होंगी और व्यक्ति को अच्छे काम करने के लिए, रचनात्मक काम करने के लिए उसकी सोच अच्छी हो, इसके लिए शायद महर्षि पतंजलि ने जो योग को इस धरती को प्रदान किया, मानव सभ्यता को प्रदान किया, इसके महत्व को हजारों वर्षों के बाद दुनिया ने तब पहचाना जब वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को लेकर चलने वाला भारत में एक नेता का उद्भव हुआ। इस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी और उनके प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ ने योगा दिवस के रूप में इसे आम आदमी तक पहुंचाने का काम किया। तो योग क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए आप लोग, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सब ने एक पुस्तक का विमोचन किया जिसमें योग के बारे में थोड़ा बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत योग प्राणायाम मैं भी करता हूँ, लेकिन हम लोग चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में है इसलिए जो इसकी क्रमबद्धता है, इसका जो लय है, क्योंकि योग और प्राणायाम को करने के लिए उसमें लीन हो जाना पड़ेगा, अपने आप को उसमें पूरी तरह से जब हम समर्पित कर देंगे तो ही वो योग हमें उस लक्ष्य को प्राप्ति करने में सहायक होता है। और आज के इस भाग दौड़ की दुनिया में जब हम अभाव में जीते थे, हम लोग उस एरा में जन्म लिए जब इतना जो आज विकास, तथा कथित विकास जो देख रहे हैं वो विकास तो नहीं था, लेकिन उस समय मैं बात कर रहा हूँ 75-80 के आसपास की बात कर रहा हूँ, जब अभाव में थे तो हम इतने बीमार नहीं हुआ करते थे जितने प्रभाव में आकर के आज हम इतने बीमार हुआ करते हैं। और उसके मूल में यही था कि हम लोग गांव में रहते थे, समय से जगते थे और समय से सोते थे, और आज भी वही व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है जो समय से जगे और समय से सोए और खान पान पर ध्यान दे, आधा से अधिक बीमारी से वो मुक्त रहेगा। और अगर कहीं कुछ होता है तो उसको ठीक करने के लिए यह एकदम साधारण और परम आनंददायक यह पद्धति है योग। करे योग और रहे निरोग, ये मंत्र हमारे ऋषियों का है। तो ये मंच आपका है, इसका मैं अतिक्रमण करना नहीं चाहता, हम लोग देता है, जब मंच पर खड़े हो जाते हैं, माइक हाथ में मिल जाती है तो समय सीमा मर्यादा ये सारे चीज हम लोग तोड़ देते हैं, लेकिन आप सभी जो गुरुओं का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और विशेष रूप से इस देश की जो तरुणाई है उसको भी मैं सम्मान करना चाहूंगा, क्योंकि आप इस भाग दौड़ के जीवन में अपने जीवन के महत्वपूर्ण समयों को निकाल करके स्वस्थ व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।